बिजली की समस्या को दूर करने की कोशिश की है कानपुर गौशाला सोसाइटी ने। पौराणिक काल से ही गाय की महत्ता किसी से छिपी नहीं है। गोबर और गौमूत्र पर रोज नए शोध हो रहे हैं, साथ ही गोबर गैस से बिजली बनाने की बात सुनी और देखी जा रही है। ऐसे ही एक शोध में कानपुर की 128 साल पुरानी गौशाला सोसाइटी को कामयाबी मिली है, जिनका दावा है कि उन्होंने गौमूत्र से बिजली पैदा कर ली है, वो भी 400 मिलीलीटर गौमूत्र से 400 घंटों तक लगातार रोशनी। सोसाइटी ने इसे गौ ज्योति का नाम दिया है। सोसाइटी के संचालक पुरुषोत्तम तोशनीवाल के मुताबिक गौ ज्योति निरंतर एक जैसी रोशनी देती है, जिससे किसी भी तरह के करंट या अन्य खतरों की भी गुंजाइश नहीं है। बस एक कल्पना थी, गौ माता की दी हुई कल्पना थी कि गौमूत्र से भी ये हो सकता है, तो इसी पर प्रयास किया गया। प्रयास तो करना ही पड़ता है, तो प्रयास किया गया। विशेष बात यह है कि ये जलेगी, 400 घंटे के बाद भी आपका गौमूत्र एज इट इज पड़ा रहेगा, वो कंज्यूम नहीं होगा। सारी दुनिया का सिस्टम है कि खाने के बाद चीज़ खत्म हो जाती है, इससे वो सिर्फ ताकत ताकत ले लेती है, बाकी गौमूत्र पड़ा रहेगा। गौशाला में एक ऐसी बैटरी तैयार की गई है जो सिर्फ गौमूत्र से चार्ज होती है। 12 वोल्ट की इस बैटरी में 400 मिलीलीटर गौमूत्र डालते हैं, इसके बाद बल्ब का बैटरी से कनेक्शन कर देते हैं। गौमूत्र से केवल बिजली ही नहीं, देश में युवाओं की सबसे बड़ी जरूरत मोबाइल की भी चार्जिंग हो सकती है। गौ ज्योति के निर्माण में प्राथमिक लागत 3500 रुपए आ रही है। इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होने के बाद कीमत घटने की उम्मीद है। अभी इसकी 3500 रुपया कॉस्ट है, परंतु इसको जब मास प्रोडक्शन होगा तो इसके मोल्ड बन जाएंगे। मोल्ड बन जाने के बाद एक तो इजी हो जाएगा प्रोडक्शन, और उसके बाद कॉस्ट अपने आप घट जाएगी। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कॉस्ट घट जाएगी, सारी चीज़ें थोक में आएंगी तो उस तरह प्रोडक्शन घट जाएगी। गौमूत्र से बनने वाली बिजली के इस डिवाइस को राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान रायपुर और राजीव गांधी शोध संस्थान भोपाल से मान्यता भी मिल चुकी है। NIT ने इस डिवाइस का परीक्षण करने के बाद सफल पाया है। आपका NIT रायपुर से टेस्ट कराया है, भोपाल से टेस्ट कराया है, राजीव गांधी वो इंस्टीट्यूट से टेस्ट कराया है, बाकी और तमाम साइंटिस्टों ने देखा है, सब जगह देखा है। IIT कानपुर से ने भी इनको सब जला करके देखा है, पर ये टेस्ट रिपोर्टें यहाँ सामने पड़ी हैं। NIT की भी है और भोपाल उसकी यूनिट इनकी राजीव गांधी इंस्टीट्यूट की भी है, इसमें इन्होंने सारी बातें लिखी है। 3 वाट के बल्ब जलते हैं और इसका बैकअप 400 घंटा है, और उसके बाद 400 ग्राम से 400 घंटा है, और स्टिल लाइटिंग उसके बाद भी लिखा है, पर 400 ग्राम में 400 घंटा जलता है ये दोनों ने ही लिखा है। ये जल रही है, ठीक है, और बिल्कुल ठीक जलती है, कोई दिक्कत नहीं है, साफ है। इस इको फ्रेंडली गौमूत्र डिवाइस को अगर सरकार प्रोत्साहित करे तो देश में वो तबके सहजता से रोशन हो सकते हैं जहां अभी बिजली की कल्पना भी नहीं की जा सकती।